नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। इस वक्त हम मौजूद हैं सासाराम के बाजार समिति में। जैसा कि मैंने सुबह ही बताया कि आज यहाँ पर रोहतास जिला के करघर प्रखंड के सभी पंचायतों के काउंटिंग जो है प्रारंभ हो चुका है सुबह से। जो कि मैंने सुबह में जो वीडियो डाला था वो करघर प्रखंड के 10 पंचायतों का वीडियो डाला था और उसके आगे का मैं आपको इस वीडियो में अपडेट दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको हम बता दूँ कि करघर पंचायत से रुपैठा तक तो मैंने बता दिया था कि रुपैठा पंचायत में जो निर्वर्तमान मुखिया थे गुप्तेश्वर सिंह चुनाव हार गए हैं और दोबारा जो चुनाव इस बार हुआ है तो ममता देवी चुनाव जीती है इस बार, जो कि रुपैठा पंचायत में बदला हुआ है। वहीं अगर हम करघर पंचायत की बात करें तो करघर पंचायत में पूर्व में जो मुखिया थे मनोरमा देवी, दोबारा से जनता उन्हीं को चुना है और जनता ने दोबारा मनोरमा देवी को करघर पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव जिताया है। वहीं अगर हम बात करें अररुआ पंचायत की तो अररुआ पंचायत से भी निवर्तमान मुखिया राजू कुमार सिंह, जो कि पिछली दफा भी मुखिया थे और इस दफा भी जनता ने राजू कुमार सिंह को दोबारा मौका दिया और दोबारा अररुआ पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव जीत गए। वहीं अगर हम बात करें भोखरी पंचायत से तो अगर हम बात करेंगे भोखरी पंचायत से तो भोखरी पंचायत से जो पूर्व में जो मुखिया थे दामोदर सिंह को चुनाव हार गए और मिथिलेश कुमार जो कि चुनाव जीते हैं। वहीं अगर हम बात करें रिवा पंचायत की तो रिवा पंचायत में भी सरिता देवी जो कि चुनाव जीती हैं। आगे अगर हम बात करें ठोरसन पंचायत की तो ठोरसन पंचायत में पूर्व में जो मुखिया थे रीना देवी वहीं चुनाव जीती हैं। वहीं अगर हम बात करें कल्याणपुर पंचायत की, जी हाँ, करघर प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत से इस बार परिवर्तन हुआ है और इस बार जो चुनाव जीती हैं उषा देवी, जो कि पिछली दफा भी चुनाव लड़ी थी लेकिन उनको जीत नसीब नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कल्याणपुर पंचायत से उषा देवी मुखिया पद के लिए चुनाव जीत गई हैं। ऐसे जो भी अपडेट आती रहेंगी आगे के पंचायतों के बारे में हम बताते रहेंगे। ऐसे अपडेट के लिए पाने के लिए बने रहे मीडिया।